जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही देखा आपने। अब मैं यूज करने वाला हूँ, ये है ब्लैकबेरी बोल्ट 9700। तो जी हाँ, काफी मस्त सा दिखने वाला फोन है। मैंने इसके ऊपर एक रील भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके एक बार देख लो, जिसमें मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन और फोन के बारे में कुछ मैंने बता दिया उसमें रील में। अब 1 मिनट का रील है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट आज का वीडियो जो है, हम आज बात करने वाले कि क्या ये फोन 2023 में, मतलब 2023 में यूज करने लायक है या नहीं। ऑब्वियसली बात है, अभी हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं और हमारे पास बहुत सारे चीजों का नेसेसरी होना पड़ता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो रील्स के बिना तो हम जी भी नहीं सकते एक्चुअली, ऐसा कंडीशन है। तो वो सब तो इस फोन में आएगा नहीं। तो कहने की बात यह है, तो हम एज ए सेकेंडरी फोन यूज करने वाले हैं, नॉट एज ए प्राइमरी फोन। देखो, मैं डिजाइन की अगर बात करूं तो ये फोन आता है काफी मस्त सा एक प्लास्टिक और स्टील का मिक्सचर के साथ, मतलब स्टील इसमें कुछ मिलता नहीं बट इनबिल्ट ही स्टील है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक क्रोम वाला फिनिश होगा और ये हार्ड प्लास्टिक हो गया, फिर ये बैक वाला जो लेदर का जो फिनिशिंग टेक्सचर मिलता है, ये सब प्लास्टिक है। हालांकि ये थोड़ा लेदर फिनिश देता है, बट पता नहीं एक प्योर लेदर है या नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, जो लोगो एम्बेडेड हो चुका है, फिर ये लेदर वाला जो फिनिश दिखता है, मतलब काफी अमेजिंग सा लगता है। फिर मैं जब बैक ओपन करूँ तो बैटरी इसमें पूरी फ्लैट आती है बैटरी, एक कैमरा मिलता है, फिर एक जो माइक्रो एसडी कार्ड हम डाल सकते हैं गाने वगैरह सुनने के लिए, फिर हमारे पास एक जो फ्लैश मिलता है जो डुअल टोन नहीं है बट सिंगल टोन फ्लैश ही है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव एट दैट टाइम। बट इसमें ना काफी एक अच्छी हमें चीज मिलती है, एक डेडिकेटेड कैमरा बटन मिलता है इसमें, फिर एक डेडिकेटेड कमांड बटन मिलता है, जो भी हम बोलते हैं हे सिरी, हे अलेक्सा, फिर हम ये बोलते हैं, तो सेम कुछ वैसा ही सिनेरियो है। इसमें हम जो साइड वाला बटन दबाते हैं तो इसमें एक आवाज आती है से कमांड, फिर हम कमांड वगैरह कुछ बोल सकते हैं। काफी अमेजिंग टेक्नोलॉजी स्क्रीन पे यूज किया था। कॉल कस्टमर केयर, मजे की बात यह है, ये उस टाइम पे 19,000 रुपीज का आया था, तो प्राइस तो काफी जस्टिफाई हाई, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। एक क्वालिटी की बैट उस टाइम पे आया था, फिर उसमें एक अमेजिंग सा लैपटॉप में जो मिलता है ट्रैक पैड, उस तरह का एक ट्रैक पैड मिलता है जो काफी अच्छा लगता है यूज करने में, काफी प्रीमियम सा लुक भी दिखता है। मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा ट्रैक पैड हमें पीछे फिंगरप्रिंट के जगह पे अगर ऐसा ट्रैक पैड अभी के फोन में अगर डाल दिया ना, तो काफी अमेजिंग रहेगा यूज करने के लिए, स्लाइडिंग वगैरह, बस टेक्नोलॉजी। अगर कोई भी फोन वाला सुन रहा है तो मतलब देख लो। और वीडियो प्लेइंग की मैं बात करूं तो मैंने एक वीडियो चला के देखा, काफी अच्छा इसमें क्रिस्टल क्लियर साउंड आता है, मतलब मुझे दिमाग से बाहर था यार, इतने पुराने फोन में इतना मस्त सा स्पीकर इसने कैसे डाल दिया। मतलब आप म्यूजिक की बात करो या वीडियो की बात करो, आप सुन सकते हो कितना अमेजिंग सा साउंड है इसमें। और हाँ, इसमें जो मैंने प्ले किया तो इनबिल्ट ही मिलता है पुराने फोन में, अगर आपको पता नहीं, पुराने फोन में एक गाना, एक वीडियो और एक फोटो आपको मिलता था इनबिल्ट, तो वही मैंने प्ले किया। इसमें भी कुछ मैंने एसडी कार्ड डाला नहीं, कंपनी क्लेम करते हैं हम इसके साथ 32 GB या 64 GB तक एसडी कार्ड डाल सकते हैं, मेरे पास 8 GB का पड़ा है, मैंने सोचा इसमें थोड़े दिन डाल लेते हैं। फिर अब देखो, कैमरा की अगर बात करें, कैमरा क्लैरिटी तो ठीक है, मतलब 5 MP के हिसाब से कैमरा क्लैरिटी ठीक है, बट इस फोन के हिसाब से ना कैमरा क्लैरिटी काफी अमेजिंग लगती है। मतलब आप कंपेयर मत करो आजकल के फोन से और इस फोन के जमाने में, बट उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो ये फोन का कैमरा ना बिल्कुल अमेजिंग है। मतलब कैमरा पकड़ने के बाद जो पिक्सल्स उसने जनरेट करके जो फाइनल आउटपुट देता ना इमेज पे, उसके ऊपर आप जस्टिफाई कर सकते हो, कैमरा अमेजिंग लगता है इसमें। और नाइट मैप फ्लैश भी यूज कर सकते हो, तो वो भी अच्छा है। तो इसके साथ हमें मिलता है एक प्यारा अपना धुलारा हेडफोन जैक, उस टाइम पे मिलता था, आज भी मिल रहा है कुछ कुछ फोन्स में, बट इसका तो काफी कम यूज हो चुका है आजकल, बट हम गाने डाल के मस्त सुन सकते हैं। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स काफी अमेजिंग है, हेडफोन अगर डाल के चलाओ तो। अभी कंक्लूजन की अगर बात करें तो फिलहाल अभी ब्लैकबेरी ने पूरा अपना सेटअप बंद करके बोरे बिस्तर बांध के चले गए हैं, अभी कहीं पता नहीं, और उनका तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि मुझे इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट मिला था कभी 4-5 साल पहले, तो आज भी मैंने ट्राई किया था सॉफ्टवेयर अपडेट करने, तो सर्वर में सॉफ्टवेयर सिर्फ अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो हुआ नहीं।
तो अगर मैं बताऊं इसमें जो ब्लैकबेरी वर्ल्ड आता है, जो इसमें जो बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे इसमें ब्लैकबेरी वर्ल्ड आता है, अगर मैं इसमें डाउनलोड भी करूं तो ओपन करते के बाद मुझे मुंह पे बोल रहा है कि भाई नहीं है, द ऐप इज़ नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। मतलब काफ़ी बेइज्जती हो गई यार। बट बाकी का मैंने अपने बताया था, जो काफ़ी ब्राउज़र्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी थीम्स अपना डाउनलोड कर सकते हो, बट हाँ वो जो थर्ड पार्टी होते हैं वही कर सकते हो। बट अभी अगर हम बात करें आप एक सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करना चाहते हो तो हाँ भाई, अगर आपको शो ऑफ करना है, अगर आपको कुछ रेट्रो टेक्नोलॉजीज पसंद है तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें मेरी सेकेंडरी सिम डाला हूँ, कॉल वगैरह मस्त क्लैरिटी मस्त आ रही है, नेटवर्क वगैरह भी मस्त पकड़ रहा है, बट 3G पकड़ता है, 4G तो आप भूल ही जाओ। उसमें बस एयरटेल सिम डाल लेना और VoIP की सिम जो है वही डाल लेना, जियो सिम तो इसमें चलेगी नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पठान जो है अब वही है, मतलब फोन आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ को खरीदना है फोन तो OLX पे जाके ढूंढो, मैं तो OLX पे ढूंढ के ही लिया था, पता नहीं और कहाँ मिलता है, कैशिफाई ऐसे कुछ वेबसाइट्स पे, क्योंकि ये फोन बहुत पुराना है तो लोग कुछ लोग बेचेंगे ही नहीं इस फोन को, जैसे मुझ जैसे लोग, मैं तो कभी बेचूंगा नहीं इस फोन को। ये बढ़िया था। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप जाके सर्च कर सकते हो, बट बाकी का आई डोंट नो कहाँ पे है। अगर आपने ब्लैकबेरी यूज़ किया है, अगर आपको ब्लैकबेरी बहुत पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो शेयर करना उन लोगों के पास जिसके पास ब्लैकबेरी था या ब्लैकबेरी को पसंद करते हैं। तो ब्लैकबेरी उस टाइम पे ना काफ़ी एक आईफोन से ज़्यादा माना जाता था गाइस, सिक्योरिटी के मामले में आज भी अब आईफोन से ज़्यादा है। तो बाकी का हम एंड करते हैं वीडियो यहीं तक, तो यही था कंक्लूजन, बाकी आपके ऊपर, आप मुझे कमेंट्स करके बता देना कैसा लगा वीडियो, बाकी आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं, बट सब्सक्राइब कर दो गाइस, सब्सक्राइब हमें बढ़ाना है क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यहीं तक भी हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो वीडियो को और जाते जाते लाइक करके चले जाना। तब तक के लिए गुड बाय।